रखे, उनमें जहां कहीं मौका मिले आप उसे कूदें, प्रवेश करें और प्रवेश करके अपना योगदान दें इस लोकतंत्र को बचाने में और इस राजनीति को भ्रष्टाचार से निकालने। अब सवाल होता है कि हम राजनीति में तो आए लेकिन अब भाजपा में क्यों आए? इतनी पार्टियां, बहुत पार्टियां हैं देश में, 24 पार्टियों का तो हमारा गठबंधन ही था, बहुत पार्टियां हैं देश में, हम भाजपा में ही क्यों? जो कुछ पार्टियां, तो इसका मैं जब जवाब देना चाहूंगी, कुछ पार्टियां तो सिंगल लीडर पार्टियां, उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी, उसके बाद उनका बेटा राजीव गांधी, रीजन यही है कि हम आरक्षण नहीं दे सके। एक चीज आप मान लो कि माइंड सेट ऐसा है पुरुष का, जब तक रिजर्वेशन नहीं होता तब तक वो नहीं देता। अब रिजर्वेशन हुआ कॉर्पोरेशन में, रिजर्वेशन हुआ पंचायतों में, रिजर्वेशन हुआ जिला परिषदों में, तो 33% की बजाय 50% आए। पहली बार 33% हुआ, फिर हमारी ही शासक राज्यों ने 50% कर दिया, वहां सबसे जो 50% है, तो 50% विमेन आर इलेक्टेड इन विलेज बॉडीज, इन म्युनिसिपल बॉडीज। लेकिन जब तक यहाँ आरक्षण का बिल पारित नहीं होगा तब तक कोई नहीं देगा। तो राज्यसभा में पारित हो गया है, हम इंतजार कर रहे हैं कि लोकसभा में आए। हमने बिल के समर्थन का आश्वासन दिया हुआ है, जिस दिन लोकसभा में पारित होगा उस दिन यहाँ प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन अगर हम सोचें कि बिना आरक्षण के हमें टिकट मिल जाएगी ज्यादा, तो वो कहीं संभव नहीं हो रहा, कोई पार्टी नहीं दे पा रही है, और इसीलिए आरक्षण का इंतजार ही नहीं कर रहे हैं, लड़ाई भी लड़ रहे हैं। ये प्रोडक्ट है भारतीय जनता पार्टी में, मैं आपसे आपको गर्व से बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की या शायद एशिया की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने 33% आरक्षण सुषमा की वजह से संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में महिलाओं और युवतियों को दिया। एंड शी हैज बीन द प्रोपाउंडर एंड द रीजन व्हाई दिस हैपेंड, इसके लिए भी हम सुषमा जी के बहुत आभारी हैं। महिला आरक्षण के बारे में आपकी पार्टी का आपकी क्या नजर है? हमारी पार्टी का स्टैंड बड़ा स्पष्ट है कि महिलाओं के लिए लोकसभा में भी और विधानसभा में आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि सरकार और जिस तरह से पूरे मामले को घुमाया जा रहा है, राजनीति की जा रही है वहाँ पर, उसको लेकर के हमारे मन में रोष है। हम आज के इस अवसर पर भारत की सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पार्लियामेंट के पटल पर जो विधेयक जो है वो पारित होना चाहिए, और जिस तरह से लोकसभा से पारित हुआ है वो राज्यसभा में पारित होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एशिया की पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 33% आरक्षण संगठन में महिलाओं को दे दिया है। आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने 3 साल पहले ये मुहिम चलाई थी और 3 साल पहले संगठन में हम दे चुके हैं। अब हम क्योंकि राज्यसभा में मेजोरिटी में थे, हमने वो बिल पास करा दिया। अब लोकसभा में सुषमा जी उसी जूझ में लगी हुई है, तो इसमें कोई मत नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है कि हम 33% आरक्षण राजनीति में महिलाओं के लिए चाहते हैं, चाहते रहे हैं, और क्योंकि इकलौती ऐसी पार्टी है जो संगठन में 33% दे चुकी है, तो इससे ज्यादा हमें क्या जरूरत है। जैसा कि आपने देखा, सुषमा स्वराज जी पूरा सहयोग कर रही हैं महिलाओं को कि वो राजनीति में आए। मैं कैमरामैन तान्या के साथ IKB TV।